सबका स्वागत है. आफ्टर सो लॉन्ग आई एम कमिंग लाइव. और रवि किशन जी से सीखिए, और सीखना चाहते हैं तो जाके पहले मनोज तिवारी जी से सीखिए. ठीक है ना, कि स्टारडम क्या होता है. और एक बात बता दूं कि अभी उन लोगों का समय गया नहीं है, स्टिल दे आर वर्किंग. अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं अपने बलबूते, और ना सिर्फ भोजपुरी में, ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं. आज बड़े फक्र के साथ रवि किशन जी हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी को. किस लेवल पे है, जाके पहले सीखो, पहले देखो. चार गाना हिट नहीं हो गया, एक दूसरे को गाली दे दिए, एक दूसरे को लाइव में आके मौका पे चौका मार लिए, तो बहुत बड़े स्टार हो गए हैं? कौन से स्टार हो गए भाई? अपने आप को स्टार कहते हैं. सीखिए, पहले सीखिए, बड़े सम्मान पूर्वक जाके पहले एक 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 फिल्म देखिए, एक एक वेब सीरीज देखिए. जिस तरीके से भोजपुरी के लिए, उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं मनोज जी, रवि किशन जी, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो सीखिए, तब जाके अपना ना लोला बजाइएगा. जो बजाते हैं ना चार दिन के, कुछ भी, तो भोजपुरी ई हो गई, तब भोजपुरी के ऊ हो गई, तब भोजपुरी के, अरे यार सीखो ना पहले. गाना गा के बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है. एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को ये, एक दूसरे इंडस्ट्री से जाके सीखो पहले. पहले दूसरे इंडस्ट्री से जाके सीखो कि किस तरीके से एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं. एक किसी का गाना आता है तो पूरी इंडस्ट्री जुट जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए. ये नहीं कि एक किसी का गाना आ रहा है तो सामने उसको छोड़ दो. ए भाई, प्रतिद्वंदी है तो गाना ओकर ओकर ना, गाना ना पकड़ी, एकर गाना बात चल जाए. ये सोच से उभरिए ना, बाहर आइए ना, बाहर आइए. आज एक कंट्रोवर्सी लेके सबके सब, जितने जो बरसाती मेढक हैं, जो बिल में घुसे हुए थे कल तक, वो सारे बिल से बाहर आ चुके हैं, सारे बिल से बाहर आ गए हैं. तो बरसात का सीजन हमेशा ना रहला भैया, आज हा कल चल जाए, ठीक बा? आपन आपन फायदा मत उठावा लोग, हर जगह फायदा मत उठाइए. पहले सीखिए, समझिए. और जितने भी लोग हैं, जितने आज तथाकथित गुणी जन हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको मैं नमन करती हूँ. जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत शून्य हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों के सामने. जितने भी कलाकार हैं, मैं सबको कहती हूँ कि एक समय वो भी था जहाँ एक लड़की को बेआबरू करने के लिए सबके सब लग गए थे. एक टुटपुंजिया कलाकार जिसने गाना गाया था बंद कमरे में, वो वीडियो वायरल हुआ था, तब कहाँ थे? तब आपके भोजपुरी का संस्कार लेके कहाँ थे? तब आपके भोजपुरी का वजूद लेके कहाँ थे आप लोग? मैं अपने मेहनत के दम पे, अपने बदौलत अपना नाम बनाया है, लेकिन फिर भी नहीं बोलती हूँ मेरा बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ. मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई भोजपुरी इंडस्ट्री. बनिए पहले कुछ, पहले कुछ बनिए, उसके बाद जब